हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 12, कैन वी शेयर। मैथ्स का जो चैप्टर है कैन वी शेयर। सो सबसे पहले शेयर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना अपनी चीज़ों को किसी के दूसरे के साथ शेयर करना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिल हो गया, खाने की चीज़ कोई हो गई, चॉकलेट हो गया, आपकी टॉफीज़ हो गई, उन सब चीज़ों को जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये काउंट करना है। ये दो सर्कल बने हुए हैं, सो दे आर सेइंग दीज आर द ग्रुप। दो सर्कल मीन्स टू ग्रुप्स, टू सर्कल्स एंड टू ग्रुप्स। सो दे आर आस्किंग हाउ मैनी आर इन ईच ग्रुप। ईच मतलब हर एक ग्रुप में कितनी है, इन एवरी ग्रुप। सो 1, 2, 3, 4, 5, देर आर 5 बटरफ्लाइज बोथ ऑफ द ग्रुप्स। सो द आंसर इज देर आर टोटल 10 बटरफ्लाइज, 5 and 5 विल बी 10। नेक्स्ट इज देर आर टू ग्रुप्स, दो अलग अलग उन्होंने उनके सर्कल बनाए हैं, तो ग्रुप कितने हो गए, 2, जितने उनको पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो डैट विल बी ग्रुप। तो 2 पार्ट्स हो गए, 2 ग्रुप हो गए उनके। और हर एक पार्ट, देर आर 5 बटरफ्लाई इन ईच ग्रुप। ये जो ग्रुप इन्होंने बनाए हैं, इनमें हर एक ग्रुप में कितनी कितनी बटरफ्लाइज हैं, क्या किसी में कम ज़्यादा या सब में इक्वल है। सो आपको वो बताना है कि हर एक ग्रुप में, ईच में एवरी ग्रुप, कि हर एक ग्रुप में कितनी बटरफ्लाइज हैं। तो कितनी है, 5 इन दिस ग्रुप एंड 5 इन दिस। नाउ नेक्स्ट देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट ऑल द कैटरपिलर्स, हाउ मैनी आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. सो देर आर टोटल 21 एंड देर आर इन डैश ग्रुप। कितने ग्रुप्स हो गए इन्होंने, ये बिल्कुल अलग अलग लिखे हुए हैं या फिर अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। सो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में, सो डैट विल बी अ 3 ग्रुप्स। अब आपको बताना है देर आर कैटरपिलर इन ईच ग्रुप, कि हर ग्रुप में कितने कैटरपिलर्स हैं। सो आपको क्या करना है, काउंट करना है, किसी भी एक ग्रुप के काउंट करो और बाकी सब में क्या है, सेम है। और आप चेक भी कर सकते हो कि सब में सेम है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में चेक कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 है। सो हर एक ग्रुप में कितने हैं, 7 कैटरपिलर्स। सेम यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लड्डूस दिए हैं, देर आर टोटल डैश लड्डूस, टोटल कितने हैं। सो यू हैव टू काउंट ऑल ऑफ देम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल आर 12। दे आर इन डैश ग्रुप, अब इनको कितने अलग अलग पार्ट्स में डाला गया या कितनी अलग अलग तरह से इनको डिवाइड किया गया है या कितने इनके ग्रुप्स हैं। अब इनको कितने पार्ट्स में जो है अलग अलग किया गया, तो 4 पार्ट्स, 4 प्लेट्स इन्होंने रखी है, तो कितने ग्रुप हो गए, 4। उसके बाद दे आर आस्किंग देर आर डैश लड्डू इन ईच ग्रुप, हर एक प्लेट के अंदर, हर एक ग्रुप के अंदर कितने लड्डूज हैं। सो देर आर 3, 3, 3 and 3, सेम है सब में। सो कितने लड्डू हर एक ग्रुप में, 3। नाउ अभी तक क्या था, आपको चीज़ दी थी एंड यू हैव टू जस्ट काउंट और टेल देम देर हाउ मैनी इन द ग्रुप्स। एंड नाउ दे हैव गिवन द टोटल नंबर, लाइक देर आर टोटल 18 स्टार्स एंड यू हैव टू पुट देम इन टू 2 इक्वल ग्रुप्स। आपको उनको जो है 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सो ग्रुप्स के लिए उन्होंने क्लाउड जो है यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। नाउ यू हैव टू डिवाइड 18 स्टार्स इन टू 2 इक्वल ग्रुप्स, इक्वली आपको उनको डिवाइड करना है। सो इसका बिल्कुल ईजी क्या है, आप उनको एक साथ नहीं डिवाइड करोगे, 1 by 1। कैसे, फर्स्ट वन आपका यहाँ, सेकेंड इसमें, फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड सेकेंड ग्रुप में, थर्ड फिर से फर्स्ट ग्रुप में, फोर्थ सेकंड ग्रुप में, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, और ये हमें कहाँ तक काउंट करना है, टोटल कितने हैं, 18। सो 18 तक हमें काउंट करने हैं ऐसे ही ड्रॉ करते हुए, 12 हो गया था, नाउ 13, 14, 15, 16, 17 and 18, सो ये इक्वली डिवाइड हो गए। अब आपको देखना है और यू हैव टू टेल देम
डेट देयर आर डैश स्टार इन ईच ग्रुप, कि इन दोनों ग्रुप में कितने कितने स्टार्स आए हैं. सो यू जस्ट काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो इसमें तो 9 है, सो वी हैव टू काउंट फ्रॉम दिस ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसमें भी 9 है. सो कितने हो गए दोनों ग्रुप में? 9 स्टार्स. सेम वहाँ पर आपको 18 को डिवाइड करना था इन टू ग्रुप्स. नाउ देर आर 18 बीड्स गिवन एंड यू हैव टू ड्रॉ देम इन 3 इक्वल ग्रुप्स. एक चीज़ हमेशा याद करनी है, दे आर आस्किंग ऑफ द इक्वल. ये नहीं कि आपने 18 इसमें ड्रॉ कर दिया, इसमें एक ड्रॉ किया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है. सो ऐसे नहीं करना, इक्वली उन्हें आपको डिवाइड करना है. शेयर का मीन्स होगा या फिर डिवाइड जब भी होगा या शेयर जब भी होगा. सो उसका मीन्स क्या होता है, आप उस चीज़ को इक्वली डिवाइड कर रहे हो या इक्वली शेयर कर रहे हो. ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया और किसी को कम. सो सेम फॉर द 18. 18 को यू हैव टू डिवाइड इट इंटू 3 इक्वल ग्रुप्स. सो सेम जैसे उसमें हमने दो दो किया था, यहाँ पर हम 3 करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. हो गए डिवाइड. बस आपको काउंटिंग करनी है और साथ साथ में एक के अंदर एक ही ड्रॉ करना है एक टाइम पर. नाउ सेम इन द लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेल हाउ मैनी इन ईच ग्रुप. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. इन फर्स्ट देर आर 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देर आर ऑल्सो 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो कितने बीड्स इन एवरी ग्रुप? देर आर 6 ग्रुप, सॉरी 6 बीड्स. नाउ शेयर द ग्रेन. मम्मी बर्ड ब्रिंग 12 ग्रेन्स. अब मम्मी बर्ड जो है क्या किए उन्होंने, 12 ग्रेन्स वो लेकर आए हैं एंड सी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन टू हर बेबीज. सो उन्होंने क्या किया, जैसे हम ऑलरेडी कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल सी गेव जस्ट वन ग्रेन टू ईच ऑफ बेबी. देन सी ऑल्सो हैव रिमेनिंग सम. सो उसके बाद उसने फिर से दे दिया. नाउ यू हैव टू टेल मी, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने दो दो दिए अपने बेबीज को, टोटल कितने हो गए? 18. लेकर वो कितने आए थे? 12 ग्रेन्स. सो कितने अभी मम्मी बर्ड के पास बचे हुए हैं? सो हमें क्या करना है, उन्होंने 18 अपने बेबीज़ को, सॉरी 8 बेबीज़ को दे दिए, 12 लेकर आए थे. सो वी हैव टू माइनस 8 फ्रॉम 12. सो योर आंसर विल बी 4. सो कितने उनके पास बच गए हैं? 4. अब 4 हैं, 4 बेबीज़ हैं, सो उसने एक एक और दे दिया. हो गया. नाउ 12 ग्रेन्स हैव बी डिवाइडेड. क्या हुए हैं? 12 ग्रेन्स को उन्होंने डिवाइड किया है किसमें? 4 बेबीज़ में. 4 बेबीज़ में वो डिवाइड हुए हैं 12 ग्रेन्स. सो 4 बेबी बर्ड. अब इसको आप और कैसे कर सकते हो, ग्रेन कितने थे? टोटल बेबीज़ कितने थे? 4. तो आप डायरेक्ट भी इसे डिवाइड कर सकते हो. 4 का टेबल आपको पढ़ना है 12 तक. 4 1 4 4 2 8 4 3 12. सो 12 कौन से नंबर पे आया? थर्ड नंबर पे. सो 4 3 12. देन यू हैव टू माइनस इट. आंसर विल बी 0. रिमाइंडर इज 0. तो योर आंसर इज 3. सो आप ऐसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, जैसे 1 by 1 हमने पहले किया था वैसे भी हम उसे कर सकते हैं. आपको क्या करना होगा, जो नंबर दिया है या जो भी चीज़ दी है जिसे डिवाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखना है कि क्या है. जैसे यहाँ पर क्या था, ग्रेन. कितने ग्रेन? 12. उसके बाद कितने लोगों में उसे डिवाइड करना है या कितनी जगह में उसे डिवाइड करना है, उस चीज़ से आपको डिवाइड करना है. जैसे यहाँ पर 12 ग्रेन से इसको डिवाइड किस में करना था? 4 बेबीज़ में से. 4 बेबीज़ के अंदर इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिवाइड करना था, तो किससे डिवाइड कर दिया हमने? 4 से. नाउ देर आर सम मोर क्वेश्चंस. ट्राई दीज नाउ. गोपू हैज़ 3 प्लेट ऑफ जलेबी. अब उनके पास कितने हैं? 3 प्लेट्स हैं जलेबी की, लेकिन वो उन्होंने अनइवन रखा हुआ, इक्वली नहीं रखा हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है कि टोटल कितने हमारे पास. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल जलेबी इज 9, और हमें उन्हें किस में डिवाइड करना है? 3 प्लेट्स में. टोटल 9 है और डिवाइड करना है 3 प्लेट्स में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 3 से. उसके बाद 3 का टेबल आपको पढ़ना है. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. सो हर एक प्लेट में जो है आपकी कितनी जलेबी आएंगी? 3. 1, 2, 3. 1, 2 एंड 3. 1, 2
टू एंड थ्री। अब काउंट करो ये क्या इक्वल नाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल हो गया 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हाउ मैनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर, एक साथ कितनी है 9। हाउ मैनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट, हर एक प्लेट में कितनी कितनी जलेबीज हैं, 3। ओके सो ये आंसर कैसे फाइंड आउट किया, हमने उसको डिवाइड कर दिया टोटल जलेबीज को, जितनी प्लेट्स में उसे डिवाइड करना था उतने से। नाउ सेम फॉर द मंकीज, देयर आर 6 बनानास, 1 2 3 4 5 6, और बंदर भी कितने हमारे पास, मंकीज भी कितने, देर आर 3 मंकीज। सो आपको 6 बनानास को किस में डिवाइड करना है, 3 मंकीज में। सो आप क्या करोगे, 6 को डिवाइड करोगे 3 से। सो आपको 3 का टेबल पढ़ना है 6 तक, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो 2 पे आया है सो इट विल बी 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे, 3 2 6। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका क्वेश्चन्ट, और जो क्वेश्चन होगा वो ही आपका आंसर रहेगा। सो आंसर हो गया 2। नाउ देर आर 6 बनानास, फिर से उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास फिर से 6 बनानास है, लेकिन अब मंकी कितने हैं, 2। पहले मंकी 3 से थे, 3 थे तो हमने 3 से डिवाइड किया, मंकी कितने हैं 2, और इन्हीं के हम अंदर जो है हमें इनको शेयर करना है, तो डिवाइड भी कितने से होगा, 2 से। सो 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2 2 2 4 एंड 2 3 6, देर विल बी 3। 6 - 6 = 0, सो रिमाइंडर इज 0 एंड क्वेश्चन विल बी योर आंसर। सो आंसर कितना हो गया, 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर आर 60 बनानास, अब किसकी बात हो रही है, 60 बनानास की, और पहले कितने थे, ओनली 6, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 मंकीज, मंकी आपके पास अभी भी 2 ही है, और आपको 60 बनानास को डिवाइड करना है 2 से। सो ये आप कैसे करोगे, यहाँ पर लिखो 60 और यहाँ पर लिखा 2। अब आपको क्या करना है, ये वाला नंबर, ओके, जो अंदर वाला नंबर है, आप कभी भी दो नंबर एक साथ नहीं लोगे, और वो कब लेने हैं वो भी हमें देखना है। आप सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है वो चेक करोगे कि वो जो है आपके डिवाइजर से, मतलब जिससे हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, क्या उससे बड़ी है या छोटी, उससे बड़ी है, जैसे 6 है, 6 किससे है, 2 से बड़ा है, तो हम इसको अकेले ही लेंगे। अब हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो ये 3 हो गया, 6 उसके बाद माइनस किया 0, उसके बाद नेक्स्ट हम 0 उतारेंगे, अब 0 से किसी भी टेबल की मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। सो एक मंकी को कितने बनानास मिले, 30। अब अगर यहाँ पर मेरा होता ओनली 19 हम ले लेते हैं, 2 के टेबल में 19 नहीं आता है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ये वाली डिजिट, फर्स्ट वाली, ये देखो अब 2 से छोटी है या बड़ी, छोटी है, सो डैट्स मीन हमको दो डिजिट लेनी पड़ेंगी। अगर बड़ी है, जैसे इसमें था, ये बड़ी थी इससे, 6 जो है 2 से बड़ा था तो हमने अकेला 6 लिया था, 1 जो है 2 से छोटा है, सो इसलिए हमें दो डिजिट यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। अब 2 के टेबल में 19 तो आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम 2 के टेबल में, पहले यहाँ पर मैं 2 का टेबल लिख देती हूँ, 2 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब 2 के टेबल में 19 नहीं है, 20 आता डायरेक्ट या फिर 18 है। अगर वो नंबर उस टेबल में नहीं है तो हमें क्या करना है, उससे छोटा नंबर, वैसे उस टेबल में सबसे बड़ा रहेगा, लेकिन 19, जैसे यहाँ पर 19 है, सो 19 से छोटा नंबर क्या रहेगा, 18, वो नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे 8। उसके बाद आपको इसे माइनस करना है, कितना हो गया, 1। सो ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये हो गया आपका डिवाइजर। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जो पहले वाली डिजिट है वो डिवाइजर से, जो बाहर वाला नंबर है उससे बड़ी है, तो हम वो सिंगल नंबर लेंगे, और अगर उससे छोटी है तो हम दो डिजिट को एक साथ लेंगे, उसके बाद उससे सोल्व करेंगे। सो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि 60 बनाना से 2 मंकी के अंदर डिवाइड करना था, तो डेट विल बी 30। सो आंसर इज 30 बनानास। नाउ द आंट इज सेइंग दैट इफ देयर इज 600 बनानास और यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 मंकीज,
तो सेम वैसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिक्स देखना है, टू से बड़ा है, बड़ा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये अकेला लेना है। टू का टेबल पड़ा, टू थ्री ज़ार सिक्स, उसके बाद डिवाइड किए, माइनस करेंगे उसको, हमेशा माइनस करना है डिवाइड में। ज़ीरो, नेक्स्ट ज़ीरो उतारा तो उसके लिए एक ज़ीरो ऊपर जाएगा, फिर ज़ीरो उतारा उसके लिए एक ज़ीरो ऊपर जाएगा। जब भी आप एक ज़ीरो को नीचे लेकर आओगे तो उसके लिए आपको एक ज़ीरो ऊपर भी लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन माइनस करके जो ज़ीरो आ रहा है उसके लिए नहीं। अगर आप यहाँ से जो डिविडेंट है अगर वहाँ से ज़ीरो लेकर आ रहे हो तो आपको लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। सो 600 बनाना, इसको टू मंकी में डिवाइड करना है तो हर एक को कितने मिलेंगे, 300। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइव फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज़ कॉइन ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब उनको जो है ये पांच दोस्त हैं, फाइव फ्रेंड्स हैं, उनको ये 10 जो हैं कॉइन्स मिले हैं 5 रुपीज़ के। दे शेयर देम इक्वली, उन्होंने इक्वली जो है शेयर किए, ईच फ्रेंड गेट 10 रुपीज़। सो हर एक को कितने मिले, 10 रुपीज़ मिले। अब कैसे, टोटल कितने कॉइन्स हैं, 10। सो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 50। 5 10 15 20 25 30 30 5 40 45 and 50 50 हो गया। फ्रेंड्स कितने थे, 5। सो आपको इसे डिवाइड करना है, 5 10s are 50। सो कितने हो गए, हर एक को मिले 10। नाउ इफ देर आर 16 10 रुपीज़ नोट, क्या बोला है, 16 नोट हैं कितने, 10 रुपीज़ के, एंड देर आर 4 फ्रेंड्स टू शेयर। और फ्रेंड कितने हैं उनके पास, 4 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ उन्हें उसे शेयर करना है। सो उनको किसको कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे। अब या तो आप पहले क्या कर सकते हो, या तो आप पहले रुपीज़ को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना है, या फिर आप इसे पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद उसे डिवाइड करोगे। सो जो आपको इजी लगे, जैसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया और उसके बाद डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 16 10 रुपीज़ नोट थे, अब उन्होंने नोट बताया, सिर्फ 16 नोट थे और कितने फ्रेंड्स थे, 4, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। 16 को किससे डिवाइड किया, 4 से। सो 4 का टेबल पड़ा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 एंड 4 4 ज़ार 16। सो कौन से नंबर पे आ रहा है, वो 4 पे। सो क्वेश्चन विल बी 4, सो आंसर विल 4। अब हर एक को कितने नोट मिले हैं, 4 नोट उन्हें मिले, टोटल 4। और एक नोट कितने का था, 10 का, एक नोट था 10 रुपीज़ का। सो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हर एक को कितने रुपीज़ मिले हैं, 40। नाउ फाइव फ्रेंड्स फाउंड इट 100। अब पांच दोस्तों को मिले हैं 100 रुपीज़, इफ़ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच विल ईच गेट। अब 100 रुपीज़ को वो कैसे डिवाइड करेंगे इक्वली, 100 रुपीज़ हैं और फ्रेंड कितने हैं, 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला था, आपको चेक करना है फर्स्ट डिजिट, ये डिजिट आप चेक करोगे, इसे छोटी है या बड़ी, छोटी है इस मीन्स आपको दो डिजिट एक साथ लेनी है, दो डिजिट हमने एक साथ ली। अब आपको 5 का टेबल पढ़ना है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। सो 10 है 5 के टेबल में, कौन से पे, सेकंड नंबर पे। सो 5 2 ज़ार 10, उसके बाद उसे माइनस करना, आंसर विल बी 0। उसके बाद फिर जो नीचे आगे 0 बचा होगा उसे आप लेके आओगे, और जो 0 आप नीचे लेकर आओगे स्टार्टिंग से वो ही आपको लेकर भी जाना है। तो हर एक फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिले यहाँ पर, 20। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरी प्रसाद हैज़ 30 मीटर ऑफ रोप। हरी प्रसाद के पास एक रोप है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 30 मीटर। ही डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली अमोंग इट्स 3 चिल्ड्रन। अब उसने इसे कितने बच्चों में डिवाइड किया है, 3 चिल्ड्रंस में। सो आपको इसको डिवाइड करना है 3 से। सो 3 ये इसके इक्वली है, तो हमें उसे इक्वल और बड़ा हो तो दोनों डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। सो 3 1 ज़ार 3 1 सॉरी 0, 3 माइनस 3 0, उसके बाद 0 उतारा। सो हर एक को कितने मिली, 10 मीटर ऑफ रो।
अगर इसकी जगह पर 36 होता, लेकिन बच्चे तो उतने हैं ना, मीटर रोप जो है बढ़ गई लेकिन बच्चे तो वही हैं 3, तो सेम आपको डिवाइड करना है, 3 × 1 = 3। आप इसको चाहे ऊपर लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था, यहाँ साइड में लिख रही हूँ, कोई मतलब कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। सो 3 × 1 = 3, 0। अब नीचे आया 6, तो क्या 3 के टेबल में 6 आता है? यस, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो यहाँ पर हो गया 2, 6 माइनस के आंसर 0। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 12। सो हर एक बच्चे को अभी कितने मीटर रोप मिली? 12 मीटर। नाउ अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया उन्होंने, एंड इफ देयर इज 60 मीटर ऑफ रोप, अगर यही रोप जो है अगर 60 मीटर की हो तो हर एक को कितनी मिलेगी? सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं, पहले ये देखेंगे 6 3 से बड़ा है, सो हमें दूसरी डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंगल डिजिट से काम चल जाएगा, 3 × 2 = 6। आपको बस टेबल याद होने चाहिए, उसके बाद माइनस किया, नेक्स्ट 0। 3 को जो है 0 से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 को, सो डेट विल बी 0। तो जो 0 आप नीचे उतारोगे वो ऊपर भी जाएगी, सो डेट विल बी 20 मीटर। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 20 मीटर।